सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म पराठों के साथ अगर स्वादिष्ट और पौष्टिक दाल पालक मिल जाए तो खाने का मजा ही दोगुना हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृष्णा पांचाल रसोई में। और आज फ्रेंड्स हम बनाने जा रहे हैं दाल पालक। बहुत ही आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स और मिनटों में बन के दाल पालक तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है और इसे हम कैसे बनाएँ। दाल पालक बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिएगा पालक। तो ये फ्रेश पालक है और ये 200 ग्राम के करीब पालक है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम पालक को 3 से 4 बार अच्छे से पानी में वॉश करेंगे और साथ ही साथ फ्रेंड्स हम ले लेंगे दाल। तो यहाँ पे ये देखिए आधा कप मैंने दाल ली है और ये मैंने तुअर या अरहर की दाल ली है। और दाल को फ्रेंड्स हम 3 से 4 बार अच्छे से पानी में वॉश करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने 4 से 5 बार दाल को अच्छे से वॉश किया है और अभी फ्रेंड्स हमें दाल को बॉईल करना है। तो हम यहाँ प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें फ्रेंड्स हम डाल देंगे 1.5 कप जितना पानी। तो अगर फ्रेंड्स आपने आधा कप दाल ली है तो 1.5 कप आप पानी लें। और हल्का सा फ्रेंड्स पानी को गर्म होने देंगे और इसके बाद हम इसमें ये धुली हुई दाल ऐड कर लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे फ्रेंड्स हमें दाल को बॉईल करना है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अभी फ्रेंड्स इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे। इससे फ्रेंड्स दाल का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और दाल जो है वो स्वाद में भी बहुत ही बढ़िया लगेगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब भी फ्रेंड्स आप दाल को बॉईल करें थोड़ा सा नमक और हल्दी जरूर ऐड करें। और अभी फ्रेंड्स हम कुकर बंद कर लेंगे और 4 सीटी आने तक फ्रेंड्स हमें इसे बॉईल करना है और बिल्कुल धीमी आंच पे फ्रेंड्स हम बॉईल करेंगे। और अभी फ्रेंड्स हम थोड़ी सी मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं। साथ ही फ्रेंड्स हम ले लेंगे थोड़ा सा अदरक और इसके साथ ही यहाँ जाएगा 1/2 टीस्पून जितना काली मिर्च। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हम इसमें 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। तो इसका फ्रेंड्स हमें पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा फ्रेंड्स हम नमक ऐड करेंगे ताकि अच्छे से इसकी चटनी तैयार हो जाए। और अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने ये पालक को बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। तो जितना आप बारीक पालक को कट कर सकते हैं उतना बारीक काट लें। अभी फ्रेंड्स हम दाल भी चेक कर लेते हैं। देखिए कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है और ये देखिए दाल फ्रेंड्स हमारी कितनी बढ़िया से बॉईल हो गई। आप देख सकते हैं कलर भी इतना अच्छा है और एक एक दाना इसका सॉफ्ट हो गया है। और अभी फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एकदम से सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए दाल हमारी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने एक टमाटर लिया है और टमाटर को फ्रेंड्स मैंने बारीक कट कर लिया है। और अभी फ्रेंड्स हम तड़की की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून हम ले लेंगे ऑयल। तेल को फ्रेंड्स धीमी आंच पे गरम करेंगे और जैसे फ्रेंड्स तेल गरम हो जाएगा हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून जितना जीरा। साथ ही इसमें जाएगा 1 तेज़पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 साबुत लाल मिर्च। थोड़े से खड़े मसाले आप ज़रूर ऐड करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और अभी फ्रेंड्स ये जो हमने पेस्ट बना के रखा है अदरक लहसुन हरी मिर्च और काली मिर्च का, वो ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा सारी चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। तो ये सारा प्रोसेस फ्रेंड्स हम धीमी आंच पे करेंगे। किसी भी सब्जी को फ्रेंड्स आप धीमी आंच पे बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और अभी फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स हम ये जो कटी हुई पालक है वो भी ऐड कर लेंगे। We'll be right back.
और इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो टमाटर हमने काट के रखा है वो भी ऐड कर लेंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और अभी फ्रेंड्स बिल्कुल धीमी आंच पे हमें पालक को पकाना है। जिस तरह से फ्रेंड्स हम पालक की सब्जी बनाते हैं उसी तरह से हमें पालक की सब्जी तैयार करनी है। तो अभी देखिए पालक भी कितना पानी छोड़ रहा है और टमाटर भी पानी छोड़ रहा है, तो यहाँ हमें बिल्कुल भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और धीमी आंच पे फ्रेंड्स हम पालक की सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही साथ इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ ही हम ऐड कर लेंगे उतना ही धनिया पाउडर और थोड़ा सा फ्रेंड्स हम नमक ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार फ्रेंड्स आप नमक ऐड करें, बहुत ज़्यादा नमक एक साथ ऐड ना करें। और अभी फ्रेंड्स अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे फ्रेंड्स हमें पालक को पकाना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमें पालक को बिल्कुल भी कवर नहीं करना है। ये देखिए कम से कम फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट लगेंगे पालक को पकने में और तब तक फ्रेंड्स हमें पकाना है जब तक कि ये जो ऑयल है वो साइड्स पे रिलीज होने नहीं लग जाता। तो ये जो सब्जी है फ्रेंड्स पालक की, वो जितनी स्वादिष्ट बनेगी उतना ही दाल पालक हमारा बहुत ही उम्दा बनेगा। तो ये सब्जी आप जितनी टेस्टी बनाएंगे उतनी ही दाल पालक हमारी बढ़िया बनेगी। अभी देखिए फ्रेंड्स ये पालक की सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। अच्छे से एक बार इसे मिक्स करेंगे। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसी सब्जी को आप अगर रोटी के साथ खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और अभी फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो बॉइल्ड दाल है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ, तो आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी फ्रेंड्स हमें दाल को 3 से 4 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है। ये देखिए बिल्कुल दाल फ्रेंड्स एक रस हो जानी चाहिए, तभी दाल पालक का मज़ा है। और अभी फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लगता है गरम मसाले का इसमें। अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया से इसमें उबाल आना शुरू हो गया है दाल में। बिल्कुल धीमी आंच पे फ्रेंड्स हम पकाएंगे दाल को। तो ये देखिए फ्रेंड्स दाल पालक हमारा बनके तैयार है और इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया ऐड करेंगे। हरे धनिया से आप इसे गार्निश करें। गैस बंद कर लेंगे और अभी फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दाल पालक हमारा बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये दाल पालक आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें और अपने अनुभव मुझे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।